नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल क्रिएटिव जोन में। तो आज मैं फिर से आपके लिए सिंधी का एक नया डिज़ाइन लाई हूँ जो दिखने में बहुत ही खूबसूरत है और इसे बनाना तो बहुत ही आसान है। अगर आज का मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप उसे लाइक कर दीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बगल में जो नोटिफिकेशन बेल है उसे दबा दें। अगर आपको मेरे वीडियो के बारे में कोई भी राय हो या कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करें। तो चलिए मैं अब अपने वीडियो की शुरुआत करती हूँ। तो कल के वीडियो में मैंने आपको यहाँ तक बताया था, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि ये जो मेरा डायमंड शेप है इसे बनाना कैसे है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे ये जो मेरा कॉर्नर है तो मैंने बस यहाँ पे अपने नीडल को निकाल लिया। अब मेरा ग्राफ यहाँ से यहाँ आ रहा, तो अब हमें यहाँ पर इस तरह से देखिए, मैंने यहाँ पर हल्का सा कपड़ा पकड़ लिया। अब हम यहाँ पर आएँगे तो यहाँ पर भी मैंने हल्का सा कपड़ा इस तरह से पकड़ लिया। अब हम यहाँ से आएंगे तो जब हम यहाँ से आएंगे तो हमें अपने नीडल को इस तरह से स्ट्रेट के नीचे से लेकर आना है। अब हम यहाँ आएंगे, जैसे जैसे आपका ग्राफ जा रहा है आपको वैसे वैसे जाना है और यहाँ से अब हमें यहाँ आना है। तो जब हम इस ग्राफ के अंदर साइड में होंगे तो मेरा नीडल इस तरह से इस थ्रेड के नीचे से आएगा। अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे, फिर मेरा ग्राफ यहाँ से यहाँ आ रहा है तो हमें यहाँ से यहाँ भी इसी तरह से हल्का सा कपड़ा पकड़ लेना है। अब हम यहाँ पे आएंगे तो जैसा मैंने पहले भी किया है, जब हम यहाँ पे होंगे तो हम मेरा नीडल इस तरह से इस थ्रेड के नीचे से आएगा, यानी कि एक बार ऊपर से और एक बार नीचे से। तो बस इसी तरह से हमें अपना पहला स्टेप कर लेना है, यहाँ पे नीचे और फिर सेम इसी तरह से, क्योंकि ये मेरा अंदर का पार्ट है तो यहाँ भी हमें इसी तरह से इसके नीचे से आना है। तो बस आपको इसी तरह से ये जो पहला स्टेप है कर लेना है। देखिए मैंने इसी तरह से यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने इसमें अपना पहला स्टेप कर लिया। तो अब मैं आपको बताऊँगी कि दूसरे स्टेप में हमें क्या करना है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर तो यहाँ पर इस तरह से जो जहाँ पर स्टार्ट किया था तो मैंने अपने नीडल को यहाँ पर इस तरह से नीचे कर लिया और ठीक यहाँ पर हमें अपने नीडल को निकाल लेना। अब हम यहाँ पे आएंगे तो यहाँ से अब हमें इस डायरेक्शन में आना। तो जब हम यहाँ से आएंगे तो पहले वाले थ्रेड के नीचे से और सेकंड वाले थ्रेड के ऊपर से आएंगे। अब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए और फिर सेम में हमें अपने नीडल को इस थ्रेड के नीचे से लेकर आना और फिर यहाँ पर भी इसी तरह से राइट टू लेफ्ट नीडल को निकालेंगे और यहाँ पे सेम हमें अपने नीडल को इस थ्रेड के नीचे से और सेकंड वाले थ्रेड के ऊपर से हमें लेकर आना है और फिर हम यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे भी इसी तरह से हमें अपने नीडल को इस थ्रेड के नीचे से और फिर यहाँ से राइट टू लेफ्ट निकालेंगे और यहाँ पे हमें अपने नीडल को इस थ्रेड के नीचे से लेकर आना, यहाँ पे नीचे से और सेकेंड वाले थ्रेड के ऊपर से। तो आप देख रहे होंगे कि हर बॉक्स में अब हमें जो सेकंड स्टेप है अलग अलग बनेगा। तो सबसे पहले हमें इसे बनाना है, फिर हम इसे बना लेंगे और फिर हमें इसे बनाएंगे हर एक डायमंड शेप में मेरा जो। तो देखिए बस इसी तरह से हमें अपना सेकंड स्टेप बनाते जाना है। जब हम अंदर साइड में आएंगे तो मेरा नीडल इस तरह से यहाँ पर इस थ्रेड के नीचे से सेकेंड वाले थ्रेड के ऊपर से आएगा, फिर यहाँ से आएंगे तो यहाँ भी मेरा नीडल यहाँ पे इस थ्रेड के नीचे से और बस यहाँ पे सेम इसी स्टेप को फॉलो करते हुए देखिए हमें अपना सेकंड स्टेप भी कंप्लीट कर लेना। अब हम यहाँ आएंगे तो अब मेरा ग्राफ यहाँ से यहाँ आ रहा। तो जब हम यहाँ से आएंगे तो पहले वाले थ्रेड के नीचे से सेकंड वाले थ्रेड के ऊपर से, फिर हमें यहाँ पर इस थ्रेड के नीचे से आना है और फिर अब हम यहाँ पर आएंगे। तो जब हम यहाँ पे आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से इस थ्रेड के नीचे से और फिर यहाँ आएंगे, एक बार ऊपर से एक बार नीचे से, यहाँ नीचे यहाँ ऊपर। और फिर यहाँ पे हमें इस तरह से इसके नीचे से लेकर आना है, यहाँ पे नीचे यहाँ पे, बस इसी तरह से। देखिए मेरा ये दूसरा स्टेप कंप्लीट हो गया, बहुत सिंपल है।
बस आपको याद रखना कि आपका एक बार नीडल डाउन और एक बार अप होना चाहिए। तो देखिए फिर हम यहाँ पे अपने नीडल को इस तरह से नीचे कर लेंगे। तो देखिए मेरा यहाँ पे ये दूसरा स्टेप बनकर तैयार है। अब फिर से हम इसे बनाएंगे, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे अपने नीडल को आपको निकाल लेना, बस इसी तरह से इसे और इसे भी हम बना लेंगे। मैंने इसी तरह से इन दोनों को भी बना लिया। अब हम यहाँ पे ये जो मेरा कॉर्नर है, देखिए इस तरह से मैंने अपने नीडल को यहाँ पे इस कॉर्नर में निकाल लिया है, दो धागे के जो क्रॉस है। अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे, तो यहाँ से हम अपना तीसरा स्टेप करेंगे। तो जैसे कि मेरा पहला स्टेप एक साथ बना था, सेम इसी तरीके से मेरा तीसरा स्टेप भी हर स्क्वायर में बनेगा। इस तरह से देखिए, आपको एक बार बड़े वाले क्रॉस में, फिर छोटे वाले क्रॉस में, फिर ये वाला जो थ्रेड है इसे आपको उठा लेना है। और फिर अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे, तो यहाँ भी इसी तरह से हमें अपने नीडल को इस क्रॉस के बीच से निकाल लेना है। फिर यहाँ से हमें ये पहला वाला धागा उठाना है। बस बहुत सिंपल है, बस आपको सेमी सर्कल बनाते हुए एक क्रॉस से दूसरे क्रॉस के बीच से आपको अपने नीडल को निकालना है। फिर ये जो पहला वाला धागा है इसे आपको उठाना है। फिर यहाँ से हम यहाँ आएंगे, तो बस हमें बस इस स्टेप को फॉलो करना है। एक बार बड़े वाले क्रॉस से, फिर छोटे वाले क्रॉस से, फिर हमें ये धागा उठाना है। एक बार आप फिर से देखिए, इस तरह से बड़े वाले क्रॉस के बीच से निकालेंगे, फिर ये जो स्मॉल वाला क्रॉस है इसके बीच से हमें नीडल को निकालना, और फिर ये जो पहला वाला धागा है इसे हमें अपने नीडल पे उठा लेना। अब हम यहाँ आएंगे, तो यहाँ भी इसी तरह से इस क्रॉस के बीच से नीडल को निकालेंगे, फिर ये जो पहला वाला धागा है इसे हमें अपने नीडल पे उठाना। अब हम यहाँ आएंगे, यानी एक क्रॉस से हमें दूसरे क्रॉस बॉक्स में जाने के लिए क्रॉस के थ्रू ही जाएंगे, छोटे वाले क्रॉस में आएंगे, और ये जो पहला वाला धागा इसे हमें अपने नीडल पे उठा लेना है। तो अब हम यहाँ आएंगे, तो बस इस स्टेप को हमें फॉलो करना है। एक बार बड़े वाले क्रॉस में, फिर दूसरे छोटे वाले क्रॉस में, फिर पहला वाला धागा इसे हमें अपने नीडल पे उठा लेना है। अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे, तो यहाँ भी इसी तरह से देखें, हमें छोटे वाले क्रॉस के बीच से निकालना है, पहला वाला धागा उठाना है, और फिर बड़े वाले क्रॉस के बीच से हमें अपने नीडल को निकाल लेना है। फिर हमें छोटे वाले क्रॉस में आना है, और फिर ये जो पहला वाला धागा है इसे उठा लेना। अब हमें इस यहाँ से इस वाले डायग्राम में आएंगे, तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए, बस आपको सेम इसी तरीके से हमें यहाँ पे ये तीसरा स्टेप है यहाँ पे इस तरह से कर लेना है। बस हम इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप, एक बार बड़े वाले क्रॉस में, फिर एक बार छोटे वाले क्रॉस में, और जो पहला वाला धागा है इसे हमें उठा लेना है। तो बस ये इसी तरह से यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, इस तरह से ही बढ़ते हुए फिर हम यहाँ पर आ जाएंगे। तो इसी तरह से हमें इसे बना लेना है। तो देखिए मैंने इसी तरह से यहाँ से लेकर यहाँ तक अपना तीसरा स्टेप कर लिया। अब मैं आपको बताऊंगी कि चौथे स्टेप में करना क्या है। तो हमें यहाँ पे ये जो मेरा स्मॉल वाला क्रॉस है, तो मैंने यहाँ पे अपने नीडल को इस तरह से निकाल लिया है, और ये पहला वाला धागा उठाएंगे, और फिर यहाँ से हमें यहाँ पे अपने नीडल को जस्ट यहाँ पे बस इस तरह से नीचे कर लेना है। अब हम अपने नीडल को यहाँ पे, ये जो मेरे दो धागे का क्रॉस है, यहाँ से हमें अपने नीडल को निकालना है, और यहाँ से हमें यहाँ पे ये जो क्रॉस के पास थ्रेड है, यानी आप ध्यान से देखिएगा तो इस बॉक्स में चार धागा है, तो आपको यहाँ पे ये पहला और ये जो तीसरा धागा है इसे अपने नीडल पे उठा लेना है। और अब हम यहाँ आएंगे, तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए, क्रॉस के पास से थ्रेड को उठाना है, फिर छोटे वाले क्रॉस के बीच से निकालना, फिर से इस बॉक्स में आपका चार धागा हो गया है, तो आपको यहाँ पे पहला और ये जो तीसरा धागा है इसे अपने नीडल पे उठा लेना है। और नेक्स्ट हम यहाँ आएंगे, और यहाँ से अब हमें यहाँ पे आना, तो यहाँ भी इसी तरह से हम इस क्रॉस के बीच से नीडल को निकाल लेंगे, और ये जो पहला और तीसरा थ्रेड है इसे हमें अपने नीडल पे उठा लेना है। और फिर अब हम यहाँ आएंगे, तो बस इस स्टेप में आपको करना, चौथे स्टेप में बस एक बार बड़े वाले क्रॉस से, फिर छोटे वाले क्रॉस से, और फिर यहाँ पे इस बॉक्स में जब चार धागा हो जाए, तो आपको पहला और तीसरा जो ये थ्रेड है इसे अपने नीडल पे उठा लेना है। चौथा स्टेप भी
हर स्क्वायर में अलग अलग बनेगा। जैसा कि सेकंड स्टेप हम लोग किए थे, सेम इसी तरीके से हर बॉक्स में हमें अलग अलग बनाना है। तो यहाँ से इस तरह से देखिए, इस क्रॉस के बीच से हमें नीडल को बहुत आसानी से निकाल लेना है। और फिर यहाँ पे चार धागा हो जाए तो बस आपको ये पहला और ये जो तीसरा धागा है इसे अपने नीडल पे उठा लेना है। फिर हम इस बॉक्स में आएंगे तो यहाँ भी चार धागा हो जाए। जब भी चार धागा हो जाए तो आपको ध्यान रखना है, आपको वहाँ पे पहला और तीसरा जो थ्रेड है इसे उसे अपने नीडल पे उठा लेना है। तो बस इसी तरह से हमें ये पूरा ये जो यहाँ से हाथ से लेके एक स्क्वायर को हम यहाँ पे बना लेंगे, इसी तरह से हमें इन दोनों को भी बना लेना है। देखिए मैंने इसी तरह से इन सब को बना लिया, और मैंने इस डिज़ाइन पे पहले भी वीडियो बना के रखा है जिसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर डाल रखूँगी। और ये जो सेंटर में मैंने सिंदी था तो उसे हटा के मैंने यहाँ पे मिरर लगा लिया है। तो देखिए बनने के बाद कितना खूबसूरत लगा, कितना सिंपल, कितना आसानी से बनने वाला ये डिज़ाइन था। इसे आप बॉर्डर के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आज का मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे ज़रूर शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।